اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موفن ایک بار پھر آپ لوگوں کو CS504 سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اسائنمنٹ نمبر 1 جو آئی ہوئی ہے سپرنگ 2019 کی اس میں خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آئیے ہم لوگ سب سے پہلے اس اسائنمنٹ کی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیس دیا گیا پی ٹی ایف پریکٹس ٹیسٹنگ سسٹم از اے آن لائن پلیٹ فارم فار پرائمری student to have practice test for some major courses like English, Math, General Knowledge, Science and Urdu. This application contain a large repository of MCQs based test item which cover comprehensive sentence completion and basic mathematical operation. This system has two major stakeholder, administrator and student. Both user will need to log in to the system through an internal authentication process. Administrator can manage the quiz bank for each course by adding, removing and updating question records. Students will need to register to the system application at first to attempt the practice test. Student can start general test containing all the courses or he or she can be select specific course to evaluate it. After finishing the test, student can view his or her overall test marks or course wise marks. एक हमने सिस्टम बनाना है जी, इसमें दो हमारे पास यूज़र हैं और इसमें हमने करना क्या है, इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट टेस्ट दे सकता है या देख सकता है रजिस्टर होने के बाद, और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द अबव मेंशन सिस्टम स्पेसिफाइड एंड ड्रा द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ऑफ द प्रैक्टिस टेस्ट सिस्टम। और फिर हमने दूसरा इसमें क्वेश्चन है, ड्रा यूज केस डायग्राम फॉर प्रैक्टिस टेस्टिंग सिस्टम। ये दो क्वेश्चन हैं जी, हमने ये करने हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इनको हमने करना कैसे है। दोस्तों इसको बनाने के लिए कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम या जीरो लेवल डायग्राम या डेटा फ्लो डायग्राम, ये एक ही चीज़ है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्रैक्टिस टेस्टिंग सिस्टम दरमियान में लिया। इसके साथ हमने दो, मतलब इसके एक्टर, एक एडमिन, एक स्टूडेंट, हमने दो एक्टर ले लिया। एडमिन आ गया जी और स्टूडेंट आ गया। अब हमने क्या करना है जी, अब एडमिन क्या करता है जी, लॉग इन टू द सिस्टम। वो इस सिस्टम के अंदर लॉग इन होगा और फिर वो ऐड यूज़र टू द सिस्टम, और वो मुख्तलिफ स्टूडेंट या यूज़र को ऐड करवा सकता है जी इस सिस्टम के अंदर। और फिर वो क्या कर सकता है, व्यू स्टूडेंट, मतलब जितने स्टूडेंट ऐड हो गए हैं उन सबको व्यू कर सकता है। उसके बाद स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर हो सकता है सिस्टम के ऊपर, और फिर उस सिस्टम के ऊपर लॉग इन हो सकता है। रजिस्टर होने के बाद, लॉग इन होने के बाद फिर वो व्यू टेस्ट, जितने भी टेस्ट दिए गए हैं, वो मैथ्स का है, उर्दू का है, इंग्लिश का है, वो सारे टेस्ट को व्यू कर सकता है। और फिर वो उनमें से कोई एक टेस्ट को टेक भी कर सकता है, मतलब वो टेस्ट कर भी सकता है। उसके बाद लास्ट में जो यूज़र है वो व्यू रिजल्ट, वो अपना रिजल्ट देख सकता है जो उसने मतलब टेस्ट किया है। ये दोस्तों एक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम या लेवल ज़ीरो डायग्राम या डेटा फ्लो डायग्राम, हम इसी को कहते हैं, और ये हमारे पास एक बन जाएगी। इसके बाद हमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया था वो ये दिया गया था कि हमने यूज़ केस डायग्राम बनानी है। यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये सिस्टम की बाउंड्री एक डिफाइन कर दी, ये सिस्टम की बाउंड्री आ गई। उसके बाद हमने वही दो एक्टर, एक हमारा सिस्टम एडमिन हो जाएगा और एक हमारा स्टूडेंट हो जाएगा, ये दो हमारे एक्टर बन गए। उसके बाद हमने उनके एट्रीब्यूट्स या फंक्शंस बताने हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस सिस्टम के अंदर लॉगिन होगा। इस सिस्टम में लॉगिन होने के बाद वो मैनेज स्टूडेंट, वो स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड्स है उसको मैनेज करेगा, या स्टूडेंट को ऐड करेगा, या स्टूडेंट को रिमूव करेगा, या स्टूडेंट को व्यू करेगा। उसके बाद है अपडेट क्विज, वो डिफरेंट क्विजेस को अपडेट करेगा या फिर रिमूव क्विज, या फिर वो किसी क्विज को रिमूव भी कर सकता है या फिर ऐड क्विज, वो किसी क्विज को ऐड भी कर सकता है, और फिर मैनेज क्विज, और वो फिर इन सारे क्विजेस को ऐड, रिमूव, अपडेट या डिलीट जो है वो इन सारे क्विजेस को कर सकता है। उसके बाद वो सिस्टम से लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट्स हैं जी, वो जो है साइन अप कर सकता है इस सिस्टम के ऊपर, और फिर उसके बाद लॉगिन हो सकता है जी। लॉगिन होने के बाद वो किसी क्विज को व्यू कर सकता है, उसके बाद टेक क्विज कर सकता है, उसके बाद व्यू रिजल्ट्स, जो उसने क्विज किया है उसके रिजल्ट्स को देख सकता है। इसके बाद वो भी सिस्टम से लॉग आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी यूज़ केस डायग्राम बन जाएगी। पहले हमने वो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम या जीरो लेवल डायग्राम या फ्लो डायग्राम देखी, और ये हमारी यूज़ केस डायग्राम है। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट CS504 की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की। प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.vuss.com फॉर मोर अपडेट्स, एंड ऑल्सो व्यू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।